बीते दिन एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कुछ युवक युवती कोतवाली इलाके के पेट्रोल पंप में सिगरेट पी रहे थे। पंप कर्मचारी ने ऐसा करने से मना किया तो रॉड से उनके पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, इसके बाद दोबारा 7 बजे कार क्रमांक CG04KJ8373 से आकर देख लेने की धमकी दी। उसी समय कार से उतर कर एक युवती ने आकर कहा कि तुम लोगों को झूठे केस में फंसा दूंगी। उसके बाद सभी कार में सवार होकर चले गई। यह पूरी घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना पचपेड़ी नाका रोड स्थित पुजारी फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप में कार्यरत तेजस्वर वर्मा ने शिकायत दर्ज कराया कि 8 दिसंबर की रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक उसकी पेट्रोल पंप में ड्यूटी थी। तड़के 5 बजे एक युवक सिगरेट पीते हुए आया और कहा कि पेट्रोल पंप के सामने रोड में मेरी कार बंद हो गई है, डीजल दो। तब पेट्रोल पंप में साथ में ड्यूटी कर रहे चंद्र प्रकाश साहू ने कहा कि पेट्रोल पंप में आप सिगरेट नहीं पी सकते, दुर्घटना हो जाएगी, सिगरेट बुझा दो। यह कहने पर युवक बहस ने लगा। तेजस्वर ने गाली देने से मना किया तो युवक ने गाली गलौज कर पंप में हवा मशीन में लगने वाली लोहे की पट्टी उठाकर हमला कर दिया। वही मारपीट होते देखकर कार में बैठे उसके अन्य दो साथी भी धक्का मुक्की कर मारपीट करने लगे। पंप कर्मी चंद्र प्रकाश साहू भूसर तारक विजय यादव ने बीच बचाव किया, तब चारों जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मारपीट में तेजस्वर के सिर आंख में चोट आई। घटना की जानकारी पेट्रोल पंप के संचालक आदित्य गौड़ को फोन करके दी तो मौके पर पहुंचे। गौड़ ने बताया कि किसी युवक ने पेट्रोल पंप से टेलीफोन नंबर पर कॉल करके धमकी दी। शिकायत पर पुलिस ने मामले में अपराध कायम कर पंकज महंत, इरशाद कुरैसी और करण चितेश्वर को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट। और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.